अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई और दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरे प्यारे भाइयों, ये पुराना वाला इंडिकेटर है और इसमें ये नया वाला इंडिकेटर मैं लगा रहा हूँ। तो ये देख रहे हैं, इसमें अपना कंपनी का जैक दिया गया है, तो ये जैक इसमें फिट करूँगा। और उसमें जो था वो 9 पिन वाला जैक था, ठीक है। ये वाला जैक जो देख रहे हैं 4 पिन वाला, इसमें 4 भी आता है, 7 भी आता है, 8 भी आता है। इसको मैं ऑन करके आपको चेक करवा रहा हूँ। ये देखें, ये नए मॉडल का आया है YHT6, ठीक है। तो इसका जैक कैसे लगाते हैं, या कोई भी कांटा हो तो उसका जैक कैसे लगाते हैं, उसके बारे में आपको इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल दूंगा। वीडियो को कंप्लीट देखें, स्किप ना करें, ठीक है। कोई टेलर नहीं, कोई स्किप नहीं, कंप्लीट देखते रहें ताकि आपको इस चीज़ से फ़ायदा हासिल हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी ज़रूर करें, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई, ये देख रहे हैं आपके सामने ये जैक इस तरीके से खुलता है। ज़्यादातर लोग इसको खींचते हैं, खींचते वक्त ये जैक क्या होता है, टूट जाता है। तो इसको देख, जिस तरह मैंने खोला उस तरीके से खोलें, ठीक है। उसके बाद ये वायर जो है, ये इसके जैक के कवर के अंदर इसको क्रॉस करवा लें, इस तरीके से क्रॉस हो जाएगी। अगर ये नहीं करेंगे तो आपका जैक जब टांके लगाएंगे तो बाद में ये चीज़ वापस एंटर नहीं होगी इसमें, ठीक है। ये जो जैक मैं टांके लगा रहा हूँ, ये लोड सेल वाली वायर है, उसमें टांके लगा रहा हूँ, ठीक है। जो इंडिकेटर में वहाँ तो जैक लगता है, ठीक है। इस ये जैक मेल है और वहाँ पर फीमेल लगता है, ठीक है। तो ये देखें, इसकी मैं इसको थोड़ा सा और छील लेता हूँ और उसके बाद मैं इसके जो एक्स्ट्रा वायरें हैं वो काट लूँगा। उसके बाद मैं इसको अच्छे तरीके से सोल्डरिंग करूँगा और कैसे लगाते हैं उसके बारे में भी डिटेल से बता रहा हूँ। तो वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आसानी से आप इसका जैक लगा सकें, ठीक है। बहुत सारे कस्टमरों की यही कंप्लेंट थी कि यार जैक सही नहीं लग रहा। तो ये देखिए, मैंने इसको सोल्डरिंग कर दिया है। ये आप देख लें इसमें कौन कौन सा कलर है आपके सामने है। वैसे एक एक करके बताता हूँ तो वीडियो लंबी हो जाती है, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए एक छोटी सी वीडियो बनाई है ताकि ये आप देख कर सीख सकें। ये सेम पोजिशन में आप उसको फिट करके और इसको घुमाएंगे, जिस तरीके से टाइट करते हैं और खोलते हैं इसी तरीके से, तो ये फिट हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो वैसे ज़बर वगैरह देने से नहीं होता। और इसमें छोटा सा एक नट है, यहाँ पर ये नट लगा देंगे ताकि ये नीचे से ना खुले, ठीक है। वायरें मुनासिब रखनी है, ज़्यादा नहीं रखनी, ठीक है। तो अब इसको हम अच्छे तरीके से टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद मैं आपको ये जैक लगाने के बाद आपको चेक भी करवाऊँगा और बकाया ये जो नीचे वाला नट है इसको भी आपने टाइट कर लेना है ताकि ये तार खींचने से टूटे ना, ठीक है। नीचे भी एक, इसमें दो नट दिए गए, एक नट इसके कवर में दिया गया है, इसको आपने लगा लेना है इस तरीके से जैक। अच्छा, जैक के कलर वगैरह थे मैंने वो आपको दिखाए, आप उसकी स्क्रीनशॉट निकाल लें या वीडियो को स्लो मोशन में करके आप देख लें, आपको आसानी होगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा फास्ट बनाया। तो इस तरीके से ये जैक आप इसमें लगा दें, ये जैक लग जाएगा और उसके बाद इसकी चूड़ी है उसको टाइट कर दें। दूसरे जैकों में नट होता है, अभी ये देखें फुल टाइट हो गया माशाल्लाह। इसको अभी इंडिकेटर को कोई उठाएगा तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैक नहीं निकलेगा, सही है। अब इसको मैं ऑन करता हूं और आपको चेक करवाता हूं और आप चेक करें। ऑन करने का पीछे वाला बटन है जो मैंने आपको दिखाया है, ये देखें ये आपके सामने ऑन हो चुका है। बेटा इसके ऊपर वेट रखो थोड़ा सा, अभी बच्चा इसके ऊपर वेट रखा है। जब जैक लगाते हैं तो इसका वेट ख़राब होता है, तो इसकी कैलिब्रेशन करने के लिए आपको ढूंढने की ज़रूरत पड़ेगी। उससे बेहतर है कि आप हमारे चैनल पर जाएं हाजी ग्लोबल स्केल, वहाँ पर आप सर्च कर रिंग स्केल कैलिब्रेशन, वहाँ पर आपको फोल्डर मिलेगा। उस फोल्डर में जाएंगे तो तमाम बेशुमार कैलिब्रेशन आपको मिल जाएंगी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई सवाल हो तो कमेंट्स करके आप हमसे पूछ सकते हैं। अपनी राय का इजहार ज़रूर फरमाइएगा। अपनी नमाज का ख्याल रखिएगा। दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकअल्लाह खैर।